कौन बनेगा सांसद, जानिए भागलपुर लोकसभा सीट का राजनीतिक समीकरण। बिहार का भागलपुर जिला सबसे पुराना है, इसके तहत 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। इसमें बिहपुर, गोपालपुर, पिरपैंती, कहलगांव, भागलपुर और नाथनगर शामिल है। पहले से चंपानगर के नाम से जाना जाता था। यहां के राजनीतिक समीकरण में पहले के मुकाबले बहुत बदलाव हो चुका है। आगामी चुनाव को लेकर सभी पार्टी तैयारी कर रही है। शहर के ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो यहां से कुछ ही दूरी पर विक्रमशिला स्थित है। 8वीं और 9वीं शताब्दी में राजा धर्मपाल ने यहां विक्रमशिला केंद्र विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यहां बौद्ध धर्म, व्याकरण, संस्कृत और तंत्र विद्या की शिक्षा दी जाती थी। ये शहर गंगा और कोसी के किनारे बसा हुआ है। मान्यताओं के अनुसार यहाँ महात्मा बुद्ध का भी आगमन हुआ था। साल 1952 में ये लोकसभा सीट पहली बार अस्तित्व में आई थी। भागलपुर को रेशम की नगरी भी कहते हैं। वहीं यहाँ पर गेहूं की खेती भारी मात्रा में होती है। मुख्य रूप से इसे तसर किस्म की रेशम के लिए जाना जाता है। इसकी मांग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी 2,569 वर्ग किलोमीटर में ये जिला फैला हुआ है और इसकी आबादी करीब 30,37,766 है। इस जिले में कुल 16 प्रखंड है और 1,515 गाँव है। साल 2024 में भागलपुर का विकास कार्य जारी। भागलपुर विकास कार्य जारी है। इस शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार से अब तक 490 करोड़ की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। इसमें अब तक 450 करोड़ की राशि खर्च भी की जा चुकी है। जून 2023 में जिले को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने का लक्ष्य था। इसे अब 30 जून 2024 तक पूरा करने का फैसला लिया गया है। वहीं शहर में कई तरह के विकास योजनाओं पर काम किया जा रहा है। इसमें स्मार्ट स्कूल, सोलर रूफटॉप, सरफेस पार्किंग, सैंडिस कंपाउंड का सौंदर्यीकरण का कार्य शामिल है। वहीं चुनावी मुद्दे की बात करें तो यहां हवाई सेवा की मांग की जा रही है। इसे लेकर कई बार धरना प्रदर्शन आदि हो चुका है और इस मुद्दे को कई बार उठाया जा चुका है। साल 2024 के चुनाव पर टिकी सभी की नजर। लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए ने भागलपुर की सीट से अपने प्रत्याशी के नाम तय कर लिए हैं। इस बार भी यहां जदयू और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। जदयू ने भागलपुर के वर्तमान सांसद अजय कुमार मंडल को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतार दिया है। वहीं महागठबंधन में भी लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों का बंटवारा हो चुका है। भागलपुर की सीट कांग्रेस के खाते में गई है। अजय मंडल और कांग्रेस के प्रत्याशी अजित शर्मा के बीच सीधा मुकाबला होने वाला है। अजित शर्मा यहां पर कदावार नेता हैं, साथ ही वो कांग्रेस से विधायक भी हैं। साल 2019 में बूलो मंडल राजद के उम्मीदवार थे। इन्हें जदयू के प्रत्याशी गोपाल मंडल से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं इस बार क्या होगा ये फिलहाल नहीं कहा जा सकता। अब तक इसका रहा इस क्षेत्र पर दबदबा। भागलपुर में साल 2019 के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार की जीत हुई थी। जदयू के टिकट से अजय मंडल की जीत हुई थी। एक तरफा मुकाबला हुआ था, इसमें अजय मंडल ने आरजेडी के प्रत्याशी शैलेश कुमार को हरा दिया था। वहीं इस बार भी इस सीट पर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। मालूम हो कि भाजपा के दिग्गज नेता और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन भी इस सीट से सांसद रह चुके हैं। मालूम हो कि पिछले लोकसभा चुनाव में अजय मंडल ने 6,18,254 वोट हासिल किए थे, जबकि राजद के उम्मीदवार शैलेश कुमार ने 3,40,624 वोट अपने नाम किए थे। 9,620 वोट के साथ नूरुल्लाह तीसरे स्थान पर थे। चुनावी इतिहास की बात करें तो पहले भागलपुर में कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था। 1952 के चुनाव में कांग्रेस के अनूप लाल मेहता ने जीत हासिल की थी। इधर साल 2024 में भाजपा के सुशील कुमार मोदी ने जीत हासिल की थी। भागलपुर की लोकसभा सीट पर मुस्लिम, यादव और ब्राह्मण वोटर्स की संख्या सबसे अधिक है। इसके बाद एससी और एसटी वोटर्स भी निर्णायक भूमिका में होते हैं। यहां मतदाताओं की संख्या 22,68,449 वोटर्स है। इसमें पुरुषों की संख्या 12 लाख से अधिक है, वहीं महिलाओं वोटर्स की संख्या 10,67,000 से अधिक है। कहा जा रहा है कि इस बार के चुनाव में यहाँ कांटे की टक्कर होगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार के चुनाव का परिणाम क्या होता है। अभी के लिए इतना ही। अब जाते जाते हम आपके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। भागलपुर की लोकसभा सीट पर आपको जदयू और कांग्रेस में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।